तुमको बता रहा था कि तुम जब मॉक टेस्ट पेपर देते थे तो मॉक टेस्ट पेपर में तुम्हारे कभी इतने 85 मार्क्स नहीं आए, मतलब तुम्हारे मार्क्स कम ही आए, तो तुम्हारे पूरे मॉक टेस्ट पेपर में जितने मार्क्स कभी नहीं आए वो 83 तुम्हारे 83 जो मार्क्स आए वो कभी मॉक टेस्ट पेपर में नहीं आए। मेरे को लगता है कि पूरे साल भर में सबसे ज्यादा नंबर तुम्हारे सीधे गेट में आए ना, श्योर? हाँ सीधे गेट में आया, हाँ है ना, 83 सबसे ज्यादा है। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्वतंत्र, कि अगर स्टूडेंट कम्युनिटी सोचे कि सर हमारा तो टेस्ट सीरीज में स्कोर नहीं आता है, मेरा तो 50 नंबर आता है, तो जिसका 50 नंबर आता है कल गेट के एग्जाम में 70 नंबर भी आ सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को डिमोटिवेट होने की जरूरत है। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए गेट का, तब तक आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि चीजें क्या होने वाली है। तो मेरे को लगता है कि लास्ट तक गिव अप नहीं मारना चाहिए लोगों को, लास्ट तक जब तक आपका अटेम्प्ट ना गेट का पेपर हो जाए, क्योंकि जब तक गेट नहीं होगा तब तक डिसाइड कैसे होगा। तो मेरे को लगता है लास्ट दम तक लोगों को अपना गुड अटेम्प्ट रखना चाहिए गेट के पेपर में, उसके पहले गिव अप नहीं मारना चाहिए। मेरे को ये बताओ कि एक ऐसे स्टूडेंट तुम्हारा 21 रैंक आया है, तो तुम अपने हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाए होंगे तो वो तो क्लियर ही है, हर सब्जेक्ट को पढ़े होंगे, तो शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे कि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, जानने में मेरे को इंटरेस्ट है। सर शॉर्ट नोट्स तो मैं बनाया था, आप जो आपके वीडियोस थे या फिर सब लोग बताते हैं शॉर्ट नोट्स बना लो एक बार, तो मैंने बना लिए थे और शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से बनाए थे, लाइक पूरा एक बार उसमें कॉपी हो गया था मेरा, लाइक शॉर्ट नोट्स पढ़ लो तो कंप्लीट था वो, और शॉर्ट नोट समझ लो तो। अब मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा एक एडवाइस दो, कि एक एडवाइस किसी ड्रॉपर के लिए, जब वो ड्रॉप लेता है तो उसको इतना प्रेशर होता है, तो वो अपने माइंड सेटअप में चीजें कैसे हैंडल करे कि इतने प्रेशर के बाद भी वो अच्छे से कर ले, मतलब उसके ऊपर प्रेशर भी हो और उस प्रेशर को मैनेज भी कर ले। तो तुम्हारा कुछ सजेशन जो ड्रॉपर के लिए, कि ड्रॉपर स्टूडेंट को अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? मैं जब ड्रॉप लेते हैं तो एक प्रेशर आ जाता है कि अब एक साल ड्रॉप किए फिर एक साल बर्बाद हुआ है, तो मैं इसको ऐसे देखूंगा कि जब भी आपके दिमाग में प्रेशर आता है तो होता है कि आप उसी के बारे में सोच रहे होते हो। अभी मेरे दिमाग में भी आया कि मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ, तो ये एक साइकिल बनता जाता है, उसके बारे में सोचते हैं और डिप्रेस होते जाते हैं, फिर और सोचते हैं और होते जाते हैं, तो हमेशा उससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। वो मतलब हम सोचते नहीं है, अनकॉन्शियसली उसमें चले जाते हैं और फिर आदत में बन जाता है, और फिर देखते हैं अगल बगल सराउंडिंग अगर फेवर में नहीं हो पाते हैं तो और भी वर्स हो जाता है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए उससे बाहर निकलने की। और कैसे निकल पाएंगे? मॉक टेस्ट लगाओ, अपने आप फैकल्टी से बात कर लो जो भी है आपके अराउंड, अगर आप वहाँ पे ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो वहाँ पे बात करो, और कंसिस्टेंट रहने की आदत कर रखो। लाइक पढ़ा ये नहीं जरूरी है कि आप हर दिन 10 घंटा पढ़ो, हर दिन आप 5 घंटा 6 घंटा भी पढ़ पाते हो, लेकिन कंसिस्टेंट रहते हो तो बहुत कवर हो जाता है। कंसिस्टेंसी, बस कंसिस्टेंसी जो है मेन पॉइंट मुझे लगता है। सोचो कम कि क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता, आप बस मेहनत अपने हाथ में कर सकते हो। तो कंसिस्टेंसी और ज़्यादा ना सोचना is one of the most crucial point, जिससे हम उसमें नहीं जा सकते, like ज़्यादा नहीं सोच सकते हैं कि ठीक है। तो ये पॉइंट मेरे को सही लगा कि कंसिस्टेंसी रहना चाहिए और आप रिजल्ट के बारे में फोकस ना करें। मैं भी हमेशा इस बात पे एग्री करता हूँ कि अगर आप रिजल्ट के बारे में फोकस नहीं करेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे तो रिजल्ट बेटर आएगा। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचने से प्रेशर होता है, फिर कंसिस्टेंसी ब्रेक भी होती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे 21 रैंक आया, तो आप जैसे इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, नेटवर्क है, कंट्रोल है, मेजरमेंट है, मशीन है, पावर ट्रांजिस्टर है, पावर सिस्टम है, तो इतना बड़ा जो सिलेबस होता है, सिलेबस इज वेरी वास्ट, बहुत बड़ा सिलेबस है इलेक्ट्रिकल का कंपेयर टू अदर ब्रांचेस। यस सर। तो इस पूरे सिलेबस को जब कवर कर रहे थे तो तुम्हारा रिविजन का स्ट्रक्चर क्या था? रिविजन तुम किस तरीके से रिविजन किए तुम इस पूरे एग्जाम के प्रिपरेशन में? रिविजन का स्टाइल क्या था तुम्हारा? रिविजन एक्चुअली मैं पहले सोच रहा था कि मैं फोर्थ ईयर क्रॉस कर ले, तो मुझे पता था कि क्या मुझे कैसे शुरू करना है, सब्जेक्ट ही कैसे शुरू करना है, तो वही मैथ्स और सिग्नल सिस्टम और नेटवर्क पहले कंप्लीट कर लिया। नेटवर्क नहीं, सिग्नल सिस्टम और मैथ, तो क्योंकि वो हर जगह लगने थे, LTI सिस्टम जितने भी हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम LTI थे, तो वो मैं पॉइंट रखता था। तो जब मैं वापस पढ़ रहा था तो उस टाइम एक रिविजन टाइप का हो ही रहा था, लेकिन जो सबसे बढ़िया वाला रिविजन था वो जनवरी में मेरा शुरू हुआ। हाँ, जब मैं वीकली एक अच्छा वाला मॉक टेस्ट बैठ के लगाता था उसी टाइम शेड्यूल पे, तो उसमें मैं करता ये था कि एक टॉपिक चूज कर लेता, इतना टॉपिक मुझे रिवाइज करना है और इसके क्वेश्चन जो भी आएंगे अगले मॉक टेस्ट में वो मैं फोकस करूंगा, वो मैं कंप्लीट कर लूँगा एटलीस्ट। तो ऐसे करते करते मैं चौथे मॉक टेस्ट तक सारे पार्ट उसमें रिवाइज हो गए। तो उसमें भी मैं ऐसे ही रखा था कि एक टफ लेता था और एक ईजी लेता था, तो अच्छे से मेरा मैनेज हो गया था।
और रिवीजन पार्ट तो मैं लगभग और नॉर्मल तरीके से रिवीजन तो मैं लगभग नवंबर तक नवंबर में से ही शुरू दिसंबर तक से ही शुरू कर दिया था मैं नॉर्मल रिवीजन, लेकिन एक अच्छे से रिवीजन जो होता है वो मैं जनवरी से ही शुरू कर दिया था, जनवरी के स्टार्टिंग से। भले हाँ मॉक टेस्ट में भले मेरे बेकार नंबर आते थे, लाइक 20 नंबर आए थे, फिर उसके बाद 30 हुए, फिर 44 हुए। तुम्हारे मिनिमम मॉक टेस्ट पेपर में कितने मार्क्स आए, तुम्हारे मिनिमम मॉक टेस्ट पेपर में मार्क्स कितने हैं? सेकंड मॉक टेस्ट में आए थे जो मैं अच्छे से बैठ के 3 घंटा दिया था, उसमें 34 या 27 आए थे, 27 एकदम सच में ऐसा मेरे पास रखा हुआ है रिकॉर्ड उसका, मेरे को भेजना ना, मेरे को भेजना 27 मार्क्स वाला भेजना। यस सर, है ना। एक्चुअली मेरे को क्यों इंटरेस्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मानते हैं कि जितने लोग भी अच्छे रैंकर्स होते हैं सर उनके तो हर मॉक टेस्ट पेपर में सर पिछले एक साल से 80 नंबर आ रहा होगा, उनको तो क्या टेंशन है सर, उनको तो मोटिवेशन की नीड ही नहीं है, उनके तो पहले से पता था उनका अच्छा आने वाला। मेरा ऐसा मानना है कि एक्चुअली ऐसा नहीं है। यस सर, बिल्कुल नहीं है सर, है ना। और एक स्टूडेंट की लाइफ में स्ट्रगल है, प्रॉब्लम्स है, और उसको भी कभी कभी डीमोटिवेशन आता है, उसके भी मार्क्स एकदम से बेकार मार्क्स आते हैं, ये पूरा प्रोसेस है एक्चुअली। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे तुम रिवीजन इतना करते हो, मैं अगर मैं पूछूं कि तुम दो में से अगर तुम प्रायोरिटी में किसको रखते हो, नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन करना कि नंबर ऑफ टाइम्स टेस्ट देना, फर्स्ट और सेकंड क्या है? नंबर ऑफ टेस्ट, नंबर रिवीजन है? मैं सोच रहा हूँ मैं टेस्ट को मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि टेस्ट में भी एक तरह का रिवीजन हो ही जाता है और टेस्ट ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि टेस्ट में आपके कहीं से भी क्वेश्चन कहीं से भी आ रहे हैं, आप जब रिवाइज कर रहे होते हो एक प्रिडिक्टेबल रहता है मेरे ख्याल से चीजें, या फिर सेम टॉपिक से लगातार क्वेश्चन लगा रहे हो तो प्रिडिक्टेबल रहता है, खास करके मैथ में। कोई एक क्वेश्चन आ जाए तो एक क्वेश्चन मैं देखा था कॉम्प्लेक्स से भी लग रहा था, सिग्नल सिस्टम से भी लग रहा था, मैथमेटिक्स से भी लग रहा था, तो आप जब उस टॉपिक को पढ़ रहे होते हो तो मेरे ख्याल से आप समझ गए कि कैसे लगेगा, लेकिन जब आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो वो डिफिकल्ट रहता है ना कि आप कैसे लगाओगे इस टाइम। तो टेस्ट सीरीज में वो टेस्ट सीरीज वो हेल्प कर देता है थोड़ा सा सोचने में कि कैसे कर रहे हैं आप। एक स्टूडेंट कम्युनिटी को मैं बोलना चाहूंगा कि आपके पास जो मैं इतने लोगों से बात कर रहा हूँ, एक ये है कि टेस्ट सीरीज की कॉपी बनाओ, उसमें जो मिस्टेक्स है उसको जरूर मार्क कर लो, क्योंकि आपको ओवरऑल अगर अपनी मिस्टेक नहीं पता चलेगी तो आप उसको रेक्टिफाई कैसे करोगे, तो आपको अपनी मिस्टेक पता चलना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज का ये सबसे अच्छा है कि एक एनालिसिस जो होना चाहिए, प्रॉपर टाइम देना चाहिए टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद भी, कि एक पेपर को देने के बाद आपकी जो मिस्टेक हुई उसको नोट करना चाहिए। सेकंड चीज़ें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नोट्स के बाद वो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, और शॉर्ट नोट्स भी प्लान करके बनाते हैं कि मेरे को शॉर्ट नोट्स में क्या चीज़ें कवर करना चाहिए गुड वे में। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका भी अलग अलग लोगों का अलग अलग होता, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों से सुनने में आता है कि शॉर्ट नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से अगर कोई क्रिएट करे तो उसको एडवांटेज होता है, उसका टाइम सेव हो सकता है और वो गुड प्लान कर सकते हैं। थर्ड चीज़ है कि आपका कंसेप्ट बड़ा अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसका तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको तो बेस्ट करना ही पड़ेगा।